तो हेलो नमस्ते गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज हम बात करेंगे हबीब नर्मागोमेडोव ट्रेनिंग की, कोनर मैकग्रेगर्स लेग अपडेट, टोनी फर्गसन अब्यूजेस डेना वाइट, मास्वीडाल, लियोन एडवर्ड्स और कमारू उस्मान के बारे में, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर से देखना। तो आज की सबसे फर्स्ट न्यूज है टोनी फर्गसन से रिलेटेड। तो एक गलत फहमी की वजह से टोनी फर्गसन ने अब्यूज किया डेना वाइट को। तो रिसेंटली अभी डेना वाइट की एक फेक स्टेटमेंट वायरल हो रही है जिसमें डेना वाइट सेड हबीब डॉज्ड प्राइम टोनी फॉर इयर्स बट टोनी इज काइंड ऑफ वॉश नाउ सो देयर इज अ गुड चांस हबीब विल फाइट हिम नाउ। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट में लिखा है हबीब नर्मागोमेडोव ने टोनी फर्गसन से फाइट करने से मना किया जब टोनी फर्गसन बेस्ट फॉर्म में था, बट अब टोनी फर्गसन काफी ज्यादा मैचेस हार चुका है तो इसलिए हबीब अब फाइट करेगा टोनी फर्गसन से। बट ये स्टेटमेंट निकली पूरी फेक, ऐसी स्टेटमेंट डेना वाइट ने कभी नहीं बोली, बट टोनी फर्गसन को लगा कि डेना वाइट ने सच में ऐसा बोला है। तो इस स्टेटमेंट का रिप्लाई करते हुए ही सेड, वॉश्ड अप एट द रेट डेना वाइट, आई विल गिव यू वॉश्ड अप, वॉश दीज nuts, now I'm pissed, champ, CSO, sometimes you need to hear that shit, hashtag fries fucking lit, hashtag tough times. Next news है हबीब नर्मागोमेडोव से related, हबीब recently training कर रहा था new gym student के साथ, इसमें हबीब ने pretend किया कि उसको काफी मुश्किल हो रही है new student को submit करने में, ये रही video. तो जैसे आपने वीडियो में देखा, हबीब ने बस एक्टिंग की कि उसको काफी मुश्किल हो रही है न्यू स्टूडेंट को सबमिट करने में, तो ये मुझे थोड़ा फनी लगा इसलिए मैंने पोस्ट डाल दिया। तो नेक्स्ट न्यूज है कोनर मैकग्रेगर के लेग अपडेट की। कोनर मैकग्रेगर ने स्टार्ट कर दिया है पावरफुल किक्स थ्रो करना, जिससे ये पता चलता है कि कोनर की लेग पूरी तरह से हील हो चुकी है, अब से वो किक्स भी ट्रेन करना स्टार्ट कर देगा। तो एक छोटी सी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है मैंने कोनर के इस लेग अपडेट एंड पोटेंशियल नेक्स्ट ओपोनेंट पे, तो ऊपर राइट साइड आई बटन पे क्लिक करके मेक श्योर टू वॉच इट। तो चलो नेक्स्ट यूएफसी न्यूज पे चलते हैं जो है लियोन एडवर्ड्स और मास्वीडाल से रिलेटेड। तो आपको याद होगा मास्वीडाल ने काफी टाइम पहले लाइव इंटरव्यू के बीच एकदम से लियोन एडवर्ड्स को सकर पंचेस मारे थे, और रिसेंटली कोबी कविंगटन से फेयर एंड स्क्वेयर फाइट हारने के बाद नाइट क्लब के बाहर कोबी कविंगटन को भी पीछे से आकर सकर पंचेस मारे। तो इस बात पे लियोन एडवर्ड्स ने एक इंटरव्यू में कहा, दैट बॉय इज अ लिटिल रैट, कोबी शुडंट हैव स्निच्ड, बट मास्वीडाल ही इज लाइक अ लिटिल रैट, ही इज लाइक अ स्नीकी रन अप बिहाइंड यू, थ्रो अ शॉट एंड रन्स ऑफ, ही इज अ वियर्डो, अ वियर्ड वियर्ड मैन, आई बिलीव दैट्स गोइंग टू हैपन एज वेल, बट I love to have the Masvidal fight. I think that would be a great fight and a great backstory to it. But I think that's going to happen. I'll beat Usman in August and they'll want a rematch at the end of the year, December-ish. But we'll see what's going to happen. So basically, Leon Edwards ne Masvidal ko ek weird sa little rat kaha jo piche se attack karne ke baad bhaag jata hai. Leon Edwards ka ye bhi manna hai ki wo Usman ko hara dega aur fir uske baad he will fight Masvidal. To guys, aap logo ko kya lagta hai? Leon Edwards versus Masvidal mein kaun jeetega? Comment karke zarur batana. To aaj ki last news mein Hamza चिमायव ने फिर से फाइट के लिए कॉल आउट किया है नेट डियाज को। हमजात ने ट्वीट करते हुए कहा, आई वॉन्ट टू फाइट इन ऑगस्ट, आई एम रेडी एट द रेट नेट डियाज, लेट्स डू इट स्किनी बॉय। तो इस ट्वीट का नेट डियाज ने भी रिप्लाई किया और कहा, सॉरी बिचेस, आई एम 4-0 ऑन यू, आई डोंट डू रीमैचेस फॉर दिस कंपनी एनीमोर। तो अगर हमजात चिमायव वर्सेस नेट डियाज फाइट बुक हो गई तो कौन जीतेगा, कॉमेंट करके जरूर बताना। तो इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।